आज हम बनाएंगे बीकानेर की फेमस आलू भुजिया। इनको बनाना बहुत आसान है और इनको बनाने के लिए सिर्फ दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल के 1 घंटे के लिए हवा में सुखा लिया ताकि इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब हम इनको डालेंगे एक मिक्सी के जार में और इनको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और बहुत थोड़ा सा पानी ताकि आलू का अच्छा पेस्ट बन जाए। तो हमने आलू का एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। पेस्ट में अगर कोई भी आलू का पीस रह जाए तो उसको निकाल लें, नहीं तो हमारे भुजिए टूट जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और बहुत थोड़ा सा नमक। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इस पेस्ट में मिलाने के लिए हमें पूरा 1 कटोरी बेसन चाहिए, लेकिन सारे बेसन को एक साथ नहीं मिलाना है, 1-1 2-2 चम्मच करके पेस्ट में बेसन मिलाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेसन की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। हम इसमें धीरे धीरे 1-1 2-2 चम्मच डाल के बेसन को अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि बेसन की सारी गुठलियाँ फूट जाए और एकदम स्मूथ डो तैयार हो जाए। इसमें बेसन डालने की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है आपका, जब तक एक सॉफ्ट सा डो नहीं बन जाए तब तक आप इसमें 1-1 चम्मच बेसन डालते रहें और इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। डो बनाते समय आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, ना ही आलू की ना ही बेसन की, नहीं तो वो फिर मशीन में फंस जाएगी और हमारे भुजिए टूट जाएंगे। इसलिए एकदम स्मूथ डो बनाएं आराम से। तो हमने इसमें सारा बेसन डाल के एकदम सॉफ्ट सा डो बना लिया। आपको इसी कंसिस्टेंसी का डो बनाना है। ये भुजिए वाली बनाने वाली मशीन है और इसकी एकदम जिस प्लेट में सबसे छोटे साइज के होल हो आपको वही यूज करना है। अब हाथ को अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लें और थोड़ा सा डो लेके उसकी बॉल बनाएं। मशीन में डो डालने से पहले मशीन को बहुत अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि मशीन में डो बिल्कुल भी चिपके नहीं और भुजिए बहुत आराम से निकल जाए। आपको सारा डो एक साथ नहीं डालना और छोटी छोटी बॉल्स बना के मशीन में डालना है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छे भुजिए निकलेंगे एक साथ। आपको अपने हाथ को भी अच्छे से ग्रीस करना है, नहीं तो डो आपके हाथ में चिपक जाएगा क्योंकि डो बहुत ज़्यादा लूज है। हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें गोल गोल घुमाते हुए भुजिए निकालेंगे। आपको कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना है क्योंकि आप जैसे ही इसमें भुजिए डालेंगे बहुत तेज स्टीम निकलेगी ऑयल से, जिससे आपका हाथ जल सकता है, इसलिए कढ़ाई में थोड़ा ही तेल डालें। ऑयल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए। भुजियों को डालने के बाद 5 से 10 सेकंड तक भुजियों को अच्छे से पकने दें। अब एक फोक की सहायता से इसको पलट दें और 5 से 10 सेकंड तक दूसरी साइड से भी सिकने दें। हमारे भुजिए एकदम फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक चलने में निकाल लेंगे। और इसका सारा एक्सेस ऑयल झड़ने देंगे। भुजियों को बाहर निकालने के बाद गैस की फ्लेम में एकदम लो कर देना है। ऑयल के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम मशीन से वापस इसमें भुजिए डाल देंगे। आपको गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ इक्वल लेयर बनानी है ताकि भुजिए अच्छे से फ्राई हो। आपको ध्यान रखना है कि भुजिए को सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक ही फ्राई करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। जैसे ही भुजिए गोल्डन हो इनको फटाफट निकाल लें। इसी तरह हम सारे डो के भुजिए बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए भुजिए बनाना कितना आसान है, आप घर पे बहुत आसानी से भुजिए बना सकते हैं। इन सारे भुजियों को हम एक बाउल में डाल के क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये प्लेन ही बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही भुजिए थोड़े ठंडे हो जाए आप इनको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें। इनको नमी से आपको बचाना है, नहीं इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये सीले सीले हो जाएंगे।
आलू की भुजी बनाना बहुत ही आसान काम है, सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। सिर्फ 1 कप बेसन और 3 आलू से पूरा एक बड़ा बॉल आलू की भुजी तैयार हो गए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।